बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्टाइलिश और लेटेस्ट स्लीव्स डिज़ाइन जो स्ट्रिप्स की बनती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्लीव्स की डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स पहले से ही कट कर ली है। मेरी स्लीव्स की लेंथ जो है वो 21 इंच है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लिया है क्योंकि मुझे आगे फोल्ड करने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 इंच हम पहले छोड़ देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। निशान को बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसी तरह से हमें जो साइड की तरफ है, यानी यहाँ से जहाँ से हम आस्तीन को अटैच करेंगे हमारी कुर्ती में, वहाँ पर भी हमें 1/2 इंच छोड़ना है क्योंकि वो भी हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो हमारे पास पूरी तैयार स्लीव्स जो है वो 21 इंच की मिलेगी। आपको जितनी भी लंबी आस्तीन बनानी है आप उतनी रखिए। उसके बाद में जो ये सेंटर वाला हिस्सा है जहाँ से हम स्ट्रिप्स लगाना शुरू करेंगे, वहाँ से हमने क्योंकि ये कपड़ा जो है बराबर कट किया है स्लीव्स का, तो हम जब स्ट्रिप्स बीच में लगाएंगे तो हमारी स्लीव जो है चौड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें से 1/2 इंच कम करके इसे निकाल देंगे। तो 1/2 इंच मैंने दोनों तरफ से लगा लिया है और उसके बाद मैंने सीधा निशान बिल्कुल लगाया है। तो ये 1/2 इंच हम कट कर लेंगे। उसके बाद में जब हम इसके अंदर स्ट्रिप्स को जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच दोनों तरफ से दबेगा कपड़ा। तो इस तरह से बीच का जो है वो 1.5 इंच हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच की स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। अब हमें कपड़े की काफ़ी स्ट्रिप्स कट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा ले लिया है। ये बचा हुआ हमारा कपड़ा है कुर्ती का, इसे हम पहले 1/2 फोल्ड करेंगे। उसके बाद में इसे हम 4 हिस्सों में फोल्ड कर देंगे। जितना ज़्यादा आप फोल्ड करके कटिंग करेंगे उतनी आसानी होती है। तो और आपको जितनी ज़्यादा लंबी पट्टी आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जोड़ कम आएगा इसके अंदर। तो इस तरह से मैंने देखिए इसे 8 बार में फोल्ड हो गया ये कपड़ा। तो अब हमें जो ये पट्टी लेनी है मैंने यहाँ पे कट करके रखी है, उसके बराबर पे हम बिल्कुल रख के इस तरह से कट कर लेंगे। एक बार हमें सिर्फ निशान लगा के कट करना होगा, उसके बाद बार बार हमें निशान लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कट किया है। इसी पट्टी को मैं आपको खोल के दिखाती हूँ हमने कितना ज़्यादा फोल्ड किया था, और खोलने के बाद में देखिए कितनी ज़्यादा लंबी ये निकली है। वरना अगर आप सीधा कपड़ा रख के कट करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो इसी तरह से दोबारा से हम कट कर लेंगे बराबर रख के। यहाँ पे हमें जो है दोनों स्लीव्स के लिए पट्टी कट करना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसे इस तरह से देखिए कट कर रही हूँ। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, देखिए कितनी लंबी स्ट्रिप कटी है हमारी। तो यहाँ पे मेरी जो है स्ट्रिप्स अब कट चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितनी चौड़ाई ली थी। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा इसको रखा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। 1.5 इंच की है ये, इससे ज़्यादा चौड़ी हमें नहीं रखनी है। और हमें जो है इसे इस तरह से फोल्ड करना है। पहले हम इस तरफ से ऐसा फोल्ड करेंगे, उसके बाद सामने की तरफ से इसे फोल्ड करेंगे और बराबर पे इसे दबा के साइड से बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे, मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। हमें इस तरह से सारी जो स्ट्रिप्स है उसे सिलाई लगा के रख देनी है। पहले हम एक तरफ से पूरा सिल देंगे। यहाँ पे देखिए एक तरफ हो चुकी सिलाई, अब हम दूसरी तरफ भी बराबर इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो सारी स्ट्रिप्स हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब हमें इसे कट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे सब कट करके रख दी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच कट किया है, यानी 3.5 पे मैंने कट किया है। 3.5 इंच की है हमारी ये पट्टी, क्योंकि 1/2 इंच जो है वो अंदर की तरफ दबेगा जब हम स्लीव्स में इसे अटैच करेंगे। अब हमें एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी, तो हम स्लीव्स को इसके ऊपर पहले रख देंगे। जितनी हमारी लंबाई हमें रखनी है उस हिसाब से हमें पेपर को कट करना है। तो आगे की तरफ मैंने 1 इंच छोड़ दिया है क्योंकि मुझे वहाँ से फोल्ड करना है। और जो ये कपड़े की लंबाई है उस हिसाब से हम न्यूज़पेपर रख देंगे। और चौड़ाई में मैं यहाँ पे 2.5 इंच लूँगी, यानी कि 2.5 मैं लेने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी जो हमें पट्टी को रख के सिलाई मारना है तो साइड साइड से दोनों तरफ से 1/2 इंच हमारा चला जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है 1.5 इंच ही मिलेगा, यानी 1.5 इंच की हमारी बीच की बिल्कुल रेडी पट्टी मिलेगी। तो इस तरह से हम बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे और पेपर को हमें कट कर लेना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कपड़े पर इस पट्टी को अटैच करेंगे तो हमारी स्लीव्स जो है वो सही से नहीं बैठेगी, वो छोटी बड़ी हो सकती है।
तो इसके लिए सबसे पहले हमें पेपर को कट कर लेना है। और पेपर पे जब हम ये स्लीव्स की डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है बनाना, और बनाने के बाद में हम पेपर को फाड़ के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट लगा लिया है, हमारा पेपर कट चुका है। अब हम चलिए बनाने चलते हैं स्लीव्स को। तो सबसे पहले हम पेपर रख लेंगे, उसके बाद में हमने जो स्ट्रिप्स को कट करके रखा था मैं आपको बताती हूँ कैसे हमें लगाना है। इस तरह से बिल्कुल क्रॉस में हमें रखना है, और एक पट्टी रखने के बाद में थोड़ा सा गैप हम छोड़ेंगे, उसके बाद में दूसरी पट्टी को हम उसके नीचे लगाएंगे, और वो भी पट्टी हमें जो है क्रॉस में ही लगानी है। इस तरह से आप ध्यान रखें, जब ये पट्टी लगाएं तो बिल्कुल पेपर के किनारे से आप सिलाई लगाते चले जाएं और पट्टी को बिल्कुल क्रॉस रखें, एक के ऊपर एक पट्टी ना चढ़ने पाए। इस तरह से देखिए मैं आपको पूरी पट्टी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हमें इसे दबाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है ताकि जो भी स्ट्रिप जो उठी हुई है वो बिल्कुल सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी एक तरफ की स्ट्रिप तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से क्रॉस में पहले एक तरफ सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहली वाली स्ट्रिप तैयार की थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके बाद वाली स्ट्रिप पर रखना है और बिल्कुल क्रॉस करना है। सेम मेथड से हमें सिलाई लगाते चले जाना है। उसके बाद में जब एक तरफ हम लगा लेंगे तो दूसरी तरफ भी हमें टर्न करने के बाद में उस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ हो चुका है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा रहेगा वो मैं कट करके निकाल दूंगी, लेकिन उससे पहले इसे हमें सिलाई लगानी है। तो हमें इस तरह से स्ट्रिप्स को बराबर करते जाना है, उसके बाद में सिलाई लगाना है। तो जैसे मैं यहाँ लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से लगानी है। ध्यान रखना है कि स्ट्रिप एक के ऊपर एक ना चढ़ने पाए, और एक्स्ट्रा जो भी ये स्ट्रिप है निकली हुई बाहर उसे हम कट कर देंगे। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो जब हम स्लीव्स में लगाएंगे तो वो हमारी आगे पीछे जो है ये स्ट्रिप्स हो सकती है। तो यहाँ देखिए ये पट्टी बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी पट्टी, अब हम इसे अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स ले लिया, स्लीव्स का एक पार्ट हम अलग कर देंगे और एक पार्ट लेकर हम इसे नीचे की तरफ रखेंगे, और जो हमने स्ट्रिप तैयार करके रखी है पेपर वाला जो हिस्सा है उसे हम ऊपर की तरफ रख देंगे, और बिल्कुल बराबर पे इस तरह से रखने के बाद में साइड से हमें बिल्कुल सिलाई लगानी है, और सिलाई को हम उसी के ऊपर लगाएंगे जो हमने पेपर के ऊपर लगाई थी। आप देख सकते हो सिलाई बिल्कुल दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं, आप आराम से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी आपकी, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे हम। तो यहाँ पे एक तरफ जो है सिलाई लग चुकी है, देखिए दूसरे स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से ही अटैच करना है। नीचे मैंने स्लीव्स का दूसरा पार्ट रख दिया है, और फिर पेपर को दोबारा मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और जो सिलाई हमें दिखाई दे रही है उसी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, और नीचे की जो स्लीव्स है उसे बराबर करते रहेंगे ताकि स्लीव्स में जो है वो झोल ना पड़े। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमारी जो स्ट्रिप्स है वो स्लीव्स में बिल्कुल अच्छी तरह से जॉइंट हो चुकी है। अब इसका जो पेपर हमने लगाया था वो हम निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से ये पेपर निकल जाता है। अगर हम ये पेपर नहीं लगाते तो ये डिज़ाइन इतनी अच्छी नहीं बनती। अब आप चाहें तो इसके ऊपर सादी सिलाई लगा लें, या फिर इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर जो है वो लेस लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लेस ले ली है, इसे लगाने से यह स्लीव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो आप अपने कपड़े के हिसाब से इसके ऊपर लगा सकते हैं। बिल्कुल साइड से हम सिलाई लगाते जाएंगे, और एक सिलाई में ही ये लेस लग जाती है। एक साइड की लेस देखिए लग चुकी है, एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे, और दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए हमारी लेस लग चुकी है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पट्टी को बिल्कुल इस तरह से रख के बिल्कुल सीधा इसे रखेंगे, इसे क्रॉस नहीं करना है, ये लास्ट वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा देंगे ताकि जब हम आगे का हिस्सा फोल्ड करें तो वो स्लीव जो है वो अच्छी लगे देखने में, क्योंकि हमारा बीच का जो हिस्सा है सब क्रॉस में गया है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे अटैच कर दिया, यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रिप्स है वो अटैच हो चुकी है। अब हमें जो आगे का हिस्सा है वहाँ पर फोल्ड करना है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह फोल्ड करना है। इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और एक सिंगल सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो आगे की तरफ करके आप लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इसे सिंपल ही रखना है आगे। तो यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई हम लेंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे।
ये स्लीव्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे हमारी सिलाई देखिए लग चुकी है, तो हमारी स्लीव्स देखिए बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। जब हम इसे कुर्ती में लगाएंगे तो देखिए फोल्ड करने के बाद में कैसी लगेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए स्लीव्स हमारी ऐसे दिखेगी और जो नीचे वाला हिस्सा है साइड में वो सिलाई में वो इस तरह से चला जाएगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।